सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको पर्सनल लोन की नीड है और आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप एक्सिस बैंक में लोन को कैसे अप्लाई करोगे। आपका इसमें अकाउंट नहीं है तब भी आप इसमें लोन अमाउंट अप्लाई कर सकते हो और इसमें आप 40 लाख तक का लोन ले सकते हो और इसको 6 साल में पे कर सकते हो। तो दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी लंबा ड्यूरेशन दिया जाएगा और इसमें आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाएगा, जैसे कि बाकी कुछ लोन ऐप लेते हैं उनसे आपका कम ही इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो दोस्तों, क्या है पूरी प्रोसेस, मैं आपको इसमें लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको सबसे पहले आपको EMI कैलकुलेटर करना है, यानी कि आपको EMI कितनी भरनी है उसी हिसाब से अगर आपको इसमें लोन लेना है तो आप यहां से EMI कैलकुलेटर से आप इसमें लोन अमाउंट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी देख सकते हो और इसमें मंथ के हिसाब से EMI भी कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको अप्लाई करना है तो नीचे आपको अप्लाई नाउ पर लिखा हुआ इसी पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से दोस्तों, जो भी पैन कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड से वो आपको इसमें दे देना होगा। उसके बाद जो भी पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है वो आपको दे देना होगा। तो जैसे आप ये दोनों चीज़ दे देते तो आपको उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना होगा, फिर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की नीड नहीं, बस आपको यहाँ पर नीचे जो है एक्सेप्ट कर लेना, फिर नीचे आपको कंटिन्यू कर देना होगा। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो होंगे, तो आपको EKYC एंड BDKYC पर क्लिक कर देना है। तो चाहो तो आप सबमिट KYC डॉक्यूमेंट भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो है EKYC एंड BDKYC पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे सबमिट कर देना है, आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको एग्री कर लेना और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहां से आपसे जो है वो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम पूछा जाएगा, तो आपको यहां पर जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर नीचे देख सकते हो आपको पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो आपको डाल देना है। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जेंडर डाल देना है, और अगर आप सैलरीड हो तो आपको सैलरीड डाल देना है, नहीं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देना है। अगर आप सैलरीड हो तो आपको सैलरीड लगा देना है। उसी हिसाब से आपको नीचे डिटेल फिल करने के लिए आ जाएंगे, जैसे कि आपके बिजनेस का नेम क्या है, आप कहाँ का काम करते हो, और इसके अलावा आपका जो है वो बिजनेस कैसा है, यानी कि उसमें आपका कितना इनकम होती है वो आपको इसमें देना होगा। और इसमें आपको बिजनेस का नाम डाल देना है, उसका टाइप वगैरह डाल देना है, और नीचे आप देख सकते हो आपकी कब क्रेडिट हुई वो भी आपको इसमें देना होगा, और आपकी जो है लास्ट कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ वो भी आपको नीचे आपको फिल करना होगा। तो अगर आप सैलरीड है तो आपको सैलरी की सारी डिटेल आपको इसमें फिल कर देना, और नीचे आपको ग्रेजुएट लगा देना, अगर आप एजुकेशन में ग्रेजुएट हुए ना आप कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट करके फिर कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहां से आपका रेजिस्टेंस एड्रेस पूछे जाएगा, तो आपको यहां पर एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2 में आधा आधा एड्रेस भर देना है। फिर आपको नीचे लैंडमार्क छोड़ देना, फिर आपको पिन कोड डाल देना अपने जो भी का है, और उसके बाद आपको सिटी डाल देना है, स्टेट डाल देना है, और यहां से आप नीचे देख सकते हो एड्रेस टाइप आपको यहां से डाल देना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे ऐड वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करके फिर आपको ऐड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डिटेल भरना है, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उसका आपको एड्रेस यहाँ पर डाल देना होगा। तो इसका क्या एड्रेस है और उसमें आपकी जो भी ईमेल आईडी कनेक्ट वो आपको डाल देना होगा। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हो उस कंपनी का नाम डाल देना होगा, किस रोड पर है उस रोड का नाम डाल देना होगा, और किस पिन कोड एरिया में है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना होगा। और उसके नीचे जो भी डिटेल है वो आपको इस डिटेल इसमें फिल कर देनी होगी। जैसे दोस्तों आप ये फिल कर देते हैं तो आपको नीचे ऐड का बटन मिलेगा, तो आपको इस ऐड पर बटन को क्लिक कर देना है, तो आपका यह सारा डिटेल ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बैंक की स्टेटमेंट देनी होगी, जो भी आप इसमें देख सकते हो आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। आप लॉगिन भी नेट बैंकिंग से कर सकते हो। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट अगर आप अपलोड करना चाहे तो यही आसान इसी से कर सकते हो। आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी जो भी बैंक की स्टेटमेंट वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको कुछ इस तरीके का बटन मिलेगा, तो आपको कंफर्म कर देना है। फिर आपका यहां पर जो मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को आपको इसमें डाल देना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहां पर उस OTP को इसमें डाल दूंगा, और यहां पर आपको नीचे साइनअप पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहां पर क्लिक कर दोगे तो आपका यहां पर जो लोन अमाउंट है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, जितना भी आपने लोन अप्लाई किया था उसकी लिमिट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हमारा यहां पर 2 लाख की लिमिट दिखा रहा है, लेकिन अगर आप पहली बार इसमें लोन को अप्लाई करते तो आपकी लिमिट काफ़ी कम देखने को मिलेगी, और अगर आपका सिविल को स्कोर अच्छा तो आपके यहाँ पर लिमिट बढ़ा दी जाएगी।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 लाख से कम लिमिट देखने को मिलेगी। अगर आप उसको पे कर देते तो आपकी लिमिट इसमें बढ़ जाएगी। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से आपका जो है वो कितने मंथ के लिए लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके बाद आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा और EMI भी आपको देखने की मिल जाएगी। तो यानी कि जितना आपको EMI पे करना है वो आपको दिख जाएगा, आपका कितने मंथ के लिए वो आपको दिख जाएगा, और नीचे आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी दिख जाएगी कि कितनी लगने वाली है। तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल चेक कर लेना है। अगर आपको यहाँ पर अच्छा लगे तभी आपको लोन लेना है, नहीं तो यहाँ पर आपको महंगा लोन नहीं लेना है। और दोस्तों इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे लोन लेने के लिए, तो आपसे यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस के लिए बोलेगा तो आपको लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको और भी बहुत ज़्यादा चार्ज लग सकते हैं और हमें फिलहाल लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल टिक नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। आपको यहाँ पर जो इसको टिक नहीं करना, फिर आपको सीधे कंटिन्यू कर देना है, इसको आपको स्किप कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो सिर्फ लोन अमाउंट ही ले पाओगे, आपको लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर हट जाएगा। अब दोस्तों जैसे आप यहां पर कंटिन्यू करोगे तो आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, उसमें आपको OTP को डाल देना होगा। जैसे आप यहां पर OTP को डाल दोगे तो दोस्तों यहां पर आपका जो लोन अमाउंट है वो आपको कुछ ही देर में बैंक में क्रेडिट कर दिया जाएगा और आप यही वेबसाइट से इसको रीपेमेंट कर सकते हो। और इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हो, आपको इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जितना भी आपका यहां पर जो लोन अमाउंट है वो आपको ऊपर दिख जाएगा। तो कुछ इस तरीके पे आप इसमें आराम से एक्सिस बैंक से लोन ले सकते हो और इसका आप रीपेमेंट कर सकते हो जो भी आपने सैलरी वाली बैंक लगाई थी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड लगाते तो आपके यहाँ पर जो है वो उसी से आपको पे कर देना होगा। तो दोस्तों अगर आपको लोन तभी लेना है जब आपको नीड हो, नहीं तो फालतू का आपको लोन नहीं लेना है, इसमें आप खतरे में भी पड़ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।